पकड़ा पकड़ा आटा है ना थोड़ा सा हंसते रहिए। हाँ चलिए गिरने सबको साथ एग्जाम देने के बाद मुझे इस चीज़ की उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था कि रैंक इतनी अच्छी आएगी। और जो रैंक आई है मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है और इसकी खुशी मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगा। इसके लिए किस प्रकार से आपने तैयारी की थी? मैंने अपने दोस्तों के साथ और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के गाइडेंस के अंदर मैंने अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने तैयारी शुरू की थी। और उसके बाद कोविड का कॉल आया, कोविड काल में मैंने इसको कंटिन्यू रखा और लॉकडाउन में जितना मुझे समय मिला मैंने एक एक करके सारे सब्जेक्ट खत्म किए। और इधर भी जितने भी अन्य राज्यों में एग्जाम हुए मैं उसमें अपीयर हुआ और उस एग्जाम के थ्रू मेरी तैयारी निखरती गई, जिस वजह से मेरा सिलेबस समय पर पूरा हो पाया। अच्छा, अपनी उपलब्धि के लिए श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले श्रेय तो मैं अपने परिवार को देना चाहूंगा, उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया और हमेशा मेरे साथ रहा। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझसे लेट हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अपने दोस्तों को कहूंगा क्योंकि वो हम लोग सब लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं और एक दूसरे को तैयारी के बीच में कभी कभी हताशा आ जाती है, तो हम लोग एक दूसरे को पूरा सपोर्ट किए हैं। और फिर मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का देना चाहूंगा परीक्षा मंथन को, वहाँ के जो मेंटर हैं उन्होंने कभी मुझे झुकने नहीं दिया, जैसे भी नंबर आए मुझे निरंतर मेरे प्रोत्साहित करते रहे। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारियां हैं वो अन्य जो पीढ़ी है जो तैयारियां कर रही उनके लिए आपको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं बस यही कहूंगा कि आप हताश ना हो और बस डटे रहें और खुद को बैक करें, खुद को थोड़ा कभी कभी शाबाशी दें और अपने लाइफ भी साथ में जिए, यार दोस्त रखें, परिवार वालों से बात करें। मैं समझ सकता हूँ तैयारी करते वक्त कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन बस आप टिके रहिए और कंसिस्टेंट रहिए तो आप भी सफल हो जाएंगे।